नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज अक्सर हम आपके मन में की विचार होता है कि जब छिपकली अपने शरीर के किसी अंग पर गिरती है तो उसका मतलब क्या होता है, उससे शुभ क्या होता है, उससे अशुभ क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि छिपकली जब भी आपके किसी भी अंग पर गिरे तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, अन्यथा अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, घर की दीवारों पर छिपकली दिखना आम बात है, कभी कभी यह अचानक दीवार से गिर जाती है, संयोग बस कभी यह आपके शरीर पर गिर जाए तो कई तरह की आशंकाएं मन में उठने लगती है। क्योंकि दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का ऐसा कहना उचित भी है और इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह साबित होता है कि छिपकली का शरीर पर गिरना खतरनाक है, इससे रोग की संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि छिपकली कारेटा समूह के फाइलम वर्ग के जीव है। इस वर्ग के कुछ जीव अपने शरीर में बने जहर को अपनी चमड़ी पर जमा कर लेते हैं, इस वजह से सुरक्षित भी रहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारण से छिपकली का अपना अपना महत्व है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि शरीर के किस अंग पर गिरने से शुभ व अशुभ फल प्राप्त होता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन पूरे शरीर पे स्त्री और पुरुष के किस जगह पे कहाँ पे गिरने से क्या लाभ मिलता है, क्या उसका फल मिलता है, उसका निदान क्या है, मैं पूरा आपको बताऊंगा। दोस्तों, छिपकली का इंसान से के ऊपर गिरना शुभ नहीं माना जाता है। वही शास्त्रों में छिपकली से जुड़े शकुन अपशकुन के बारे में बहुत बताया गया है, ये हमारी आपकी परंपरा रही है। दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए, छिपकली का स्त्री पुरुष के किसी भी अंग पर गिरने से शुभ अशुभ दोनों प्रकार फल मिलते हैं। पेट हो, नाभि हो, छाती, दाढ़ी को छोड़कर उसके ऊपर मस्तक पर्यंत किसी भी भाग पर छिपकली का गिरना सामान्यतः शुभ होता है। इन अंगों के सिवा पुरुष के दाहिने अंगों पर एवं स्त्री के दाएं अंगों पर छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष कहते हैं कि पुरुष के बाएं अंगों एवं स्त्रियों के दाहिने अंगों पर छिपकली गिरना अशुभ होता है तथा पुरुष के दाहिने अंगों पर एवं स्त्री के बाएं अंगों पर गिरना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसी अवस्था में उस स्थान को पानी से धो लेना चाहिए, अगर हो सके तो स्नान कर लें, क्योंकि छिपकली की त्वचा से निकलने वाला पसीना जहर के समान होता है। छिपकली का गिरना अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलूं कि बालों पर छिपकली का गिरना मृत्यु का सूचक माना जाता है। यदि छिपकली बाईं आंख पर गिर जाए तो भविष्य में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। वहीं अगर बाईं हथेली पर छिपकली गिरे तो धन की हानि होती है। दोस्तों, यदि छिपकली किसी के चेहरे के भौहों पर गिरती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इससे धन की कमी होती है। छिपकली का सर पर गिरना अच्छा नहीं मानते। जिस व्यक्ति के सिर पर छिपकली गिरती है तो उसका किसी से झगड़ा या विवाद होने की संभावना होती है, साथ ही कई बार ये बीमारियों का संकेत भी होता है। दाढ़ी पर छिपकली गिरने से भयानक संकट का सामना करना पड़ता है। बाएं कंधे पर गिरने से नए शत्रु बनते हैं। बाएं हाथ पर गिरने से धन की हानि होती है। छिपकली के पीठ के बीच गिरने से घर में क्लेश उत्पन्न होता है। बाएं जांघ पर गिरने से दुख मिलता है। बाएं घुटने पर गिरने से सौभाग्य की हानि होती है। बाएं पैर पर गिरने से घर में कलह और दुख होगा। छिपकली का गिरना शुभ संकेत की बात करें तो दोस्तों, यदि छिपकली किसी के पेट, छाती या नाभि पर गिरती है तो इसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा पुरुष के शरीर के सीधे अंग और महिला के उल्टे अंग पर छिपकली का गिरना भी शुभ माना जाता है। अगर छिपकली किसी व्यक्ति की गर्दन पर गिरती है तो यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि का इशारा माना जाता है। दोस्तों, छिपकली का दाएं पैर के तलवे पर गिरने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। छिपकली यदि माथे पर गिरती है तो किसी बड़ी संपत्ति आने के संकेत होते हैं। छिपकली के दाहिने कान पर गिरने से स्वर्ण भूषणों की प्राप्ति होती है और बाएं कान पर गिरने से आयु में वृद्धि होती है। छिपकली यदि आपके दाई आंख पर गिरे तो किसी अच्छे मित्र से मिलने की संभावना होती है। मुख पर यदि छिपकली गिरे तो स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। बाएं गाल पर गिरने से किसी पुराने मित्र से मिलने की संभावना होती है, जबकि यदि दाहिने गाल पर गिरे तो उम्र बढ़ती है। छिपकली यदि
मुझ पर गिरे तो आपको सम्मान मिलता है, छिपकली के दाहिने कंधे पर गिरने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है, छिपकली के दाहिने हाथ पर गिरने से धन लाभ होता है तथा दाहिने हथेली पर गिरने से नए वस्त्र मिलते हैं, छिपकली दाई जांग पर गिरने से सुख प्राप्त होता है, छिपकली अगर आपके नाक पर गिरता है तो शीघ्र ही आपका भाग्य बदलने वाला होता है, छिपकली का कंठ पर गिरना तभी संभव है जब आप सो रहे हो, ऐसा होने पर माना जाता है कि आपके दुश्मनों का नाश होने वाला है। अगर आपके दाएं हाथ की भुजा पर छिपकली गिरती है तो समझ लीजिए आप धन से मालामाल होने वाले हैं, लेकिन ऐसे बाएं भुजा पर हो तो आपकी संपत्ति छिन सकती है। दाएं पैर के घुटने पर अगर छिपकली गिरे तो समझिए यात्रा का संयोग बन रहा है, और अगर बाएं पैर के घुटने पर गिरे तो बुद्धि की हानि होने वाली है। दोस्तों, ये रही छिपकली से जुड़ी कुछ शकुन और अपशकुन की बातें, और प्रायः अपने परंपराओं में, अपने रीति रिवाज परपाठी मर्यादाओं में हमारे बुजुर्गों ने इसको पालन किया है, इसलिए हम आप भी पालन करते हैं, और आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगे, आपकी लाभप्रद होगी, आपके जानकारी के लिए अच्छी होगी। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।